ये गाना गाइड मूवी का है और कभी इस गाने को देवानंद पर फिल्माया गया था, लेकिन आजकल ये गाना अखिलेश यादव गुनगुना रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल टेंशन में हैं। यूपी में महागठबंधन के खात्मे के बाद मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो अब सभी 11 सीटों पर उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगी, तो वहीं अखिलेश के सामने बड़ा सवाल यही है कि अब सपा का राजनीतिक भविष्य किस ओर रुख करेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई एक बैठक में मायावती ने कहा कि चुनाव में बसपा के वोट तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में पूरी तरह से पड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक यादवों ने कई स्थानों पर बसपा उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस अखिलेश ने बुआ कहकर बसपा प्रमुख मायावती को सिर माथे बिठाया, उनकी मनचाही सीटें देकर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने दिया, यही नहीं गठबंधन के चलते ही वे शून्य से 10 सीटें जीत पाई, वही मायावती ने इस गठबंधन को अपनी हार का दोषी बताया और कहा कि वो किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगी। क्यों टूट गया माया और अखिलेश का गठबंधन? क्यों 7 महीने के भीतर ही एक दूसरे को ये दोनों नेता अखरने लगे? आखिर क्या वास्तव में जिस तरह के कयास इस गठबंधन को लेकर पहले से ही लगाए जा रहे थे कि मायावती लोकसभा चुनावों में सीटें जीतने के बाद भी अखिलेश के साथ नहीं रहेंगी, क्या वो बातें सच साबित हो रही है या फिर बसपा से जिस तरह की वोट ट्रांसफर को लेकर खबरें आ रही है, क्या उन बातों को ध्यान में रखकर मायावती ने अपनी राह अलग कर ली? अब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन अब फ्लॉप तो साबित हुआ ही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के सामने भविष्य को लेकर जिस तरह के सवाल हैं, क्या उनका जवाब ये नेता लोग दे पाएंगे? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा गठबंधन महज 80 में से 15 सीटें ही जीत पाया, जिनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी को और 10 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गईं। जिस दिन ये परिणाम आए उसी दिन से साफ हो गया था कि यूपी में दोनों पार्टियों के गठबंधन को उनके कार्यकर्ताओं ने नकार दिया है। वैसे इस बार 11 विधायक लोकसभा का चुनाव जीते हैं, जिनमें मुख्य रूप से लखनऊ कैंट से बीजेपी विधायक रीता बहुगुणा जोशी, टुंडला से बीजेपी विधायक एसपी बघेल, गोविंद नगर से सत्यदेव पचौरी, प्रतापगढ़ से अपना दल के संगमलाल गुप्ता सहित रामपुर सदर से सपा विधायक आजम खान और जलालपुर से बसपा विधायक रितेश पांडे सांसद बन गए हैं। इन सभी 11 सीटों पर अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं और अब ये साफ नहीं है कि इन चुनावों में बसपा और सपा क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतना साफ है कि मायावती ने पहली बार घोषणा कर दी है कि वो अब उपचुनावों में भी पूरी भागीदारी निभाएंगी। देखना यही होगा कि इन 11 सीटों का परिणाम क्या उत्तर प्रदेश में सियासत की एक नई गाथा लिखेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।